22 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार से कहा था कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। इसके बाद मणिपुर जलने लगा। राज्य भर में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई। कई लोगों की मौत हुई, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। सरकार ने सख्ती की लेकिन इसके बावजूद हिंसा होती रही। बाद में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली गई, जिसे 19 जून को मणिपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उसी फैसले को पुनर्विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 5 जुलाई को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मणिपुर हिंसा के इतिहास को समझें तो ये मामला आरक्षण को लेकर भड़के विवाद की वजह से है। मणिपुर के 10% इलाके पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, बाकी का इलाका पहाड़ी है जहां ज्यादातर जनजातियों का बसेरा है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राजधानी इम्फाल में इनकी अच्छी खासी संख्या है। ये आमतौर पर मणिपुरी कहलाते हैं। 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक ये लोग राज्य की आबादी के 64.6% हैं, लेकिन मणिपुर के लगभग 10% भूभाग पर ही रहते हैं। अधिकतर मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं, यानी ये बहुसंख्यक आबादी है, जबकि नगा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन मैतेई समुदाय के लोग भी खुद के लिए जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। उनकी ये मांग बहुत पुरानी है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए वो जोर देते हैं क्योंकि 1949 से पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा दिया गया था, इसलिए अब भी उन्हें वही सब कुछ मिलना चाहिए। 2012 में मैतेई समुदाय ने एक कमेटी भी बनाई थी। इनकी मांग है कि मैतेई लोगों की परंपरा को बचाने के लिए इन्हें कानूनी हक दिया जाए। अब विरोध यहीं से शुरू हुआ है। पहले से जनजाति का दर्जा प्राप्त नगा और कुकी समुदाय मैतेई के इन मांगों का विरोध करता है। वो दलील रखते हैं कि राज्य के बहुसंख्यक आबादी को ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। वो राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर हैं। उन्हें पहले से ही अनुसूचित जाति का आरक्षण भी मिला हुआ है, राज्य में उनकी पकड़ भी है। लिहाजा अगर इनको भी जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो फिर वहां रह रहे अल्पसंख्यक जनसंख्या का क्या होगा? आप समझ गए होंगे कि ये विवाद तो बहुत पुराना है, फिर अभी हिंसा क्यों भड़क गई? दरअसल हुआ ये कि ये विवाद हाईकोर्ट पहुंचा और इस मामले की सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया कि वो 4 हफ्ते के भीतर मैतेई समुदाय को ST सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। इस ऑर्डर के बाद द हिल एरिया कमेटी और मणिपुर विधानसभा के 20 सदस्यों की बैठक हुई। इस कमेटी में मणिपुर के 20 विधायक शामिल थे। ये सभी जनजाति यानी नगा और कुकी समुदाय से हैं। इस कमेटी में पार्टी से बाहर आकर विधायक सदस्य हो जाते हैं। इस कमेटी ने बैठक कर कोर्ट के आदेश पर आपत्ति दर्ज कराई, दुख व्यक्त किया। इसके बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान मैतेई समुदाय और नागा कुकी समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई और फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। हालांकि उम्मीद ये है कि अब मणिपुर के भड़के विवाद का हल निकल जाएगा और फिर से शांति बहाल हो सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।